कभी सर पर दर्द हो न साहब। बेटा बाम लगा दूं, कुछ कुछ सेवा कर तुम्हारी। आप कहीं से थक के आए और सो गए हैं, मैया बोलेगी अरे लाला कुछ खा के सो जाइयो, अभी इतनी जल्दी सो मत जा। अरे बेटा तुम अभी सोना नहीं। मां बार बार बोलती है, सच बतावे घर में खाने के लिए चार रोटी हो साहब, तीन रोटी हो, घर में भोजन के लिए केवल तीन रोटी हो और खाने वाले चार लोग हो, उसमें से अगर कहीं से आवाज आए कि मुझे आज भूख नहीं है, तो वह केवल मां हो सकती है, वह केवल मां हो सकती है। इतना ख्याल रखती है अपने परिवार वालों की मां। हे गोविंद तुमने मुझसे मेरी मां को क्यों छीन लिया। हिमालय से ऊंची है मां पर पर्वत से कठोर नहीं। समुद्र से गहरी है मां पर सागर से खारी नहीं। और गोविंद मैं अपनी मां का सेवा तो नहीं कर पाया, अब तुमने मुझसे छीन कैसे लिया मां को। साहब मां की ममता मां का प्रेम जब कभी मां से दूर रहो तो पता चलेगा। आप अपने घर में मां के संग में हैं तो मां का प्रेम समझ में नहीं आएगा। बचपन में कभी अपनी मां से दूर हो जाओ तो समझ में आएगा कि मां किसे कहते हैं। हम अपनी बात करें तो हम लगभग 10-12 बरस के रहे होंगे जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में संतों के चरणों में आश्रय तो मिला। प्रशांत भगवान माफ करें, मां की कमी संत भी पूरी नहीं कर सकते। मां तो मां है साहब, तब हमें याद आई मां की। कभी महाराज भूखे सो गए, जगाने वाला कोई नहीं था, फिर रोते मां को याद कर करके, मैया अगर आज मैं तेरी गोदी में होता तो मुझे 100 बार जगाती पर भूखे सोने नहीं देती, मेरी मां होती अगर साथ में आज तुम्हारा। इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं हो सकता महाराज। इसलिए संतों ने भी कहा महाराज, दुनिया में जितने भी विशेष व्यक्ति होते हैं, विशेष उपमा होती है, वो सब मां से मिलते हैं, मां के बिना सब अधूरे हो जाते हैं। देखो मैं बताऊं, संसार में शरीर जहां निवास करता है, जिसमें शरीर रहता है, लोग कहते हैं, संत कहते हैं और शास्त्र कहता है, वो कभी मरते नहीं, उनको हम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा। मां नहीं होती तो आत्मा को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलता। एक शरीर तो मां ही प्रदान करती है, इसीलिए आत्मा में मां लगा हुआ है। मां के बिना आत्मा भी अधूरा है। और महाराज उपमा दें सबसे विशाल सोच की तो कहते हैं आसमां। क्या कहते हैं? आसमां। अरे महाराज वह आसमां भी तभी है जब उसमें मां लगी हुई है। और संसार में सबसे पूजनीय जो हैं, जिनकी हम सब वंदना करते हैं, वैसे संतों को क्या बोलते हैं बताओ? महात्मा। मां नहीं होती तो महात्मा कहां से होते? अरे महात्माओं को जन्म देने के लिए भी तो मां की जरूरत पड़ती है। मां नहीं होंगी, मां होगी नहीं तो महात्मा नहीं हो सकते। इसीलिए साहब मां के बिना महात्मा भी अधूरे हैं, हो नहीं सकते। अरे इस दुनिया की तो बात ही छोड़ो, दुनिया जिसके चरणों में बैठती है, दुनिया जिसकी नमन करती है और जिस पर विश्वास हम सब करते हैं, उसको भी हम कहते हैं परमात्मा। अरे मां के बिना तो वो परमात्मा भी अधूरा है साहब।
अधूरा है साहब, माँ के बिना तो परमात्मा भी अधूरा। जब उसे कृष्ण बनना होता है तो देवकी के गोद में आता है, यशोदा के गोद में आता है। जब उसे राम बनना होता है महाराज तो अयोध्या में कौशल्या के गोद में आता है, पर माँ की उसे भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए दुनिया में माँ से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, वेद व्यास जी हमने सुना था कि माता पिता से बढ़कर संसार में कोई भगवान नहीं। पिता तीर्थ पिता स्वर्ग, पिता ही परमो तपः, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। बोले पिता ही तीर्थ है, पिता ही स्वर्ग है। और महाराज इतना ही नहीं कहा गया, शास्त्र में स्पष्ट लिखा है पितरी प्रतिमापन्ने, अगर माँ बाप खुश हैं आपके तो सब देवता आपसे खुश रहेंगे, माँ बाप आपसे दुखी हैं तो महाराज घर में सासू माँ भूखी बैठी है, ससुर जी भूखे बैठे हैं, अब आप 56 भोग भगवान के मंदिर में लगाओ, कोई फायदा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यह सच्चाई है। घर में बूढ़ी माँ को भोजन कराने के लिए भक्त नहीं, मंदिर मंदिर जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला, पहले घर में माँ बाप भगवान है। दूसरी बात बतावे, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई है भी नहीं, ये भी लिख के रख लो। माँ बाप से बढ़कर तो संसार में कोई नहीं है, इतना प्रेम निस्वार्थ प्रेम कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। पर आज की विडंबना साहब, लोगों के पास पैसे बहुत है पर प्रेम नहीं है। आज लोग बहुत दौड़ लगा रहे हैं, बहुत भागते हैं और भूल जाते हैं। अरे जब हम छोटे रहे होंगे तब कोई था होगा ना जिसने हमें गोदी में उठा के कहा होगा कि बेटा आज देख तू मुझसे बड़ा हो गया है। कोई रही होगी ना जिसने हमें अपने गोद से उठा कर कहा लाली देख तू मुझसे बड़ी हो गई है। माँ बाप से बढ़कर जिसने आपको हमको बोलना सिखाया, बोले बेटा आमा मामा बोलो माँ बोलो। तो महाराज जिसने बोलना सिखाया ना, विडंबना यह है साहब, आज हम उन सब की बोलती बंद करते हैं। सच बतावे बहा सही बतावे तो जिन माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, आज उन माँ बाप का बोलना हम सब बंद कर देते हैं। जिन माँ बाप ने हमें हाथ की उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, उन माँ बाप को घर के अंदर महाराज बंद कर देते हैं। कई लोग तो महाराज वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। मैं श्रद्धा टीवी के माध्यम से चैलेंज करके कह सकता हूं, अगर घर से निकालकर मां बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ोगे और 100 जन्मों तक भगवान का तपस्या करोगे तब भी नरक में सड़ोगे, तब भी नरक में सड़ोगे। एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक महाराज जिसने शरीर दिया जिसने प्राण दिया और महाराज उन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के भगवान के मंदिर मंदिर तक हजारों जन्म तक चक्कर लगाते रहो पर भगवान कभी नहीं मिलेंगे, तुम नरक में ही जाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं महाराज। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, पर आज विडंबना साहब ऐसी क्या बतावे। एक माँ बीमार पड़ गई, 60-70 साल की मां बीमार पड़ गई। बेटा बहुत धनवान है, बेटी बहुत धनवान है, अपने घर में 2-4 नर्स लगा दिया सेवा करने के लिए, पर उनके लिए समय नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि साहब आपकी मां ने 4 दिन से भोजन नहीं किया, आपके पिताजी बीमार है उन्होंने कई दिन से भोजन नहीं किया, आप जरा भोजन कराइए।
बेटा दौड़ लगा के आया, निश्चय से बैठी है। बोले सर आपकी माँ है ना भोजन नहीं कर रही है। अरे माँ भोजन क्यों नहीं कर रही है, भोजन करो। माँ बोलती है बेटा मुझे भोजन नहीं चाहिए, तो कुछ देर आके मेरे पास बैठ जा। क्या बोल रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमें तो कुछ देर मेरे पास आके बैठ जाना बेटा। अरे मौसी जरा बताओ क्या बोल रही है माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मौसी ने कहा बेटा जब तू बोलना भी नहीं जानता था तो ये तेरी भाषा को बहू भी समझती थी, आज ये बोल रही है तू समझ नहीं पा रहा है।